जब से ये चैनल शुरू हुई है तब से मेरा यही कोशिश रहा है और आगे भी यही कोशिश रहेगा कि मेरे जो सब्सक्राइबर है और मेरे जो व्यूअर है उसका मैं कोई भी प्रॉब्लम को कोई भी सलूशन कैसे निकाल सकूं। सो गाइस, मैं हूं इंजीनियर राजा और मैं आज आपसे बात करने वाला हूं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस जो आप परचेज करते हैं और उसका जो प्रॉब्लम से अगर आपको फेस करना पड़ जाता है तो उसको आप ऑनलाइन कंप्लेन कैसे करोगे। सो गाइस, इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आप कैसे ऑनलाइन करोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप कोई भी सर्विस कोई भी सामान परचेज करते हैं और उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ती है तो सिंपली आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या अपने ब्राउज़र पे वो ब्राउज़र को ओपन कीजिए और उसमें टाइपिंग कीजिए consumercomplaint.in। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये इसका ये पेज ओपन होके आ जाता है। अब ये वीडियो को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैं जब एक डेल जो है मेरा डेल का जो कीबोर्ड है मैंने कीबोर्ड लिया तो वो ख़राब निकल गया। अब मैं सोचा कि मैं इसका कंप्लेंट कहाँ करूँ, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इस पर एक वीडियो बना लेना चाहिए जिस पर मैंने कंप्लेंट किया हूँ जो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो मैं चाहा कि मैं इस पर वीडियो बना के मैं जो मेरे फेवरेट जो है सब्सक्राइबर है व्यूअर्स है मैं उसको बता दूँ ताकि वो भी अगर कोई भी सर्विस या कोई भी सामान परचेज करे और उसका ख़राब निकल जाए या कोई भी बैंक अकाउंट वगैरह से पैसा कट हो जाए तो उसका कंप्लेंट वो कहाँ करेंगे। सिंपली मैं ये सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दूँ, जितने मेरे व्यूअर हैं जितने सब्सक्राइबर हैं उसको भी कुछ ना कुछ इस वीडियो की माध्यम से उसको भी कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाए। तो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो मैंने कैसे कंप्लेन की क्या की तो मैं सोचा इस वीडियो बना दूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने सारे जो इसमें जो है कंप्लेन यहाँ पर की गई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो इसमें ऑप्शन है जिसपे कंप्लेन की गई, यहाँ देख रहे हैं तो सीबा इंडिया के खिलाफ भी कंप्लेन की गई है, बीजेएस के खिलाफ भी कंप्लेन की गई है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी कंप्लेन की गई। तो बहुत सारा आपको इसे मिल जाता है जिसके खिलाफ जो यहाँ पे कंप्लेन की गई है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी सामान खरीदते हैं तो आप कंज्यूमर बन जाते हैं और कंज्यूमर से रिलेटेड आप हर कोई भी कंप्लेन आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखिए एक सर्च बॉक्स दिया गया है, इसमें आप कोई भी कंप्लेन को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ डाल देता हूँ डेल कीबोर्ड, जैसे मैं यहाँ डेल कीबोर्ड डाल के मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो आपके सामने जो है डेल की पूरी जो साइट ये ओपन होके आ जाती है, जहाँ से आप देख सकते हो कि इतने जो डेल पे है यहाँ पे जो इसको कंप्लेन की गई है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हो और सर्च कर सकते हो और अपना कंप्लेन कर सकते हो। तो इस पे कोई भी कंप्लेन की जाती है तो ऐसा नहीं है कि इस पे रिप्लाई नहीं दिया जाता है, बल्कि आप जब भी कंप्लेन करते हो 24 आवर के अंदर अंदर जिस कंपनी के खिलाफ आप कंप्लेन किए हो उसको इन्फॉर्म कर दी जाती है। तो 7 डेज से अंदर से लेके 15 डेज के अंदर अंदर में आपके कंप्लेन पे एक्शन ले लिया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डेल इंडिया के खिलाफ जो है 13 अगस्त को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसको कंप्लेन की गई थी, और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए यहाँ देखिए 14 अगस्त को मतलब एक दिन में ही इसका ये रिप्लाई दे दिया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं कि कंप्लेन कैसे करें। तो कंप्लेन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं साइन इन, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कि रजिस्टर नाउ, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपना एक यूजर नाम डालेंगे, एक यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, इसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड डालेंगे, एक कैप्चा है कैप्चा इसमें डाल के यहाँ पर रजिस्टर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लियर करते हैं आपका जो अकाउंट सक्सेसफुली आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन हो जाता है। कोई भी कंप्लेन करने के लिए आपको यहाँ सबमिट एक कंप्लेन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से इसका ये बॉक्स ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे आपका कंप्लेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ अपना कंप्लेन टाइप करेंगे जो भी कंप्लेन आपको करना है और जो भी कंपनी के खिलाफ करना, तो मैं डाल देता हूँ डेल। तो मैं ये यहाँ डेल डाला, या देखिए डेल इंडिया आ गया, सिंपली अब इसको क्लिक करेंगे ये हो चुका है। तो आप उसी कंपनी के खिलाफ यहाँ पे नाम डालेंगे जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन करना चाहते हैं, तो उसका उस कंपनी का आपको नाम यहाँ पे डाल देना है।
इसके बाद यहाँ पे आपको कंप्लेंट का सब्जेक्ट देना होता है कि किस बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टाइपिंग कर देता हूँ कि मेरा जो डेल का है वो डेल का कीबोर्ड है वो ख़राब था। देखिए मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ डेल कीबोर्ड ख़राब था। इसी तरीके से आपको भी जो भी आपका कंप्लेंट सब्जेक्ट है वहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर आपको कंप्लेंट की डिटेल देनी होती है। कंप्लेंट में आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि डेट ऑफ इंसिडेंट्स, क्लाइंट नंबर, फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर बहुत ऑप्शन है जहाँ जो आप यहाँ से रीड कर सकते हो। और आपके साथ जो भी घटना हुआ होता है उसको आपको फुल डिस्क्रिप्शन देना होता है। तो आप जितना डिटेल में यहाँ पर बताएंगे आपके जो एगेंस्ट है उसका जो रिप्लाई देने की चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप कुछ भी घटना हुआ है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में यहाँ से आप डिटेल में टाइपिंग करेंगे। जैसे देखिए मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में कुछ डिटेल में यहाँ पर टाइपिंग कर दिया हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी दे दिया हूँ, मोबाइल नंबर भी दे दिया हूँ। तो आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ हो, जो भी घटना घटा हुआ हुआ होगा उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पे पूरा जो है किस तरीके से क्या हुआ है पूरा आपको डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो है कंट्री ऑलरेडी आ चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस ऑप्शनल है, आप दीजिए या ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे जो आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है या तो आपको आपके पास जो फोटो वगैरह होगा, कोई वीडियो वगैरह बनाए होंगे तो उसको आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो आप यहाँ पे फोटो वाले पे क्लिक कीजिएगा और जहाँ होगा उसको लेके यहाँ से अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं अपना जो भी फोटो था, पिक्चर था, जो कंप्लेंट का था, जो रिसिप्ट था, मैं यहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ। इसके बाद ये कैप्चा है, आप इसको कैप्चा देके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। चलिए मैं सब कुछ डाल दिया हूँ, मैं यहाँ पे सबमिट पे ओके करता हूँ। जैसे सबमिट में यहाँ ओके करूँगा तो आप यहाँ पे अपना आपका कंप्लेंट यहाँ पे आ जाता है और अपना यहाँ पे कंप्लेंट इसको आप पढ़ सकते हो। इसके बाद यहाँ देख रहे हैं कैटेगरी का ऑप्शन आ चुका है। तो कैटेगरी पर क्लिक करके आपका जो भी आप कंप्लेंट करना चाहते हैं इस कैटेगरी में से आप चूज कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारा प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर आपको इसके अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट है इसमें से चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर एड्रेस ऑप्शनल है, आप दीजिए या ना दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपका वेबसाइट अगर है तो यहाँ पर डाल देना है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसको भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये देख रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फोटो, कोई वीडियो है जो आपको कंप्लेन करना चाहते हैं, तो जिसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह हो है आपके पास तो उसका फोटो, कोई वीडियो बना लीजिए और इसको इसमें अपलोड कर दीजिए। तो सिंपली आप इस पर क्लिक कीजिएगा और जहाँ भी आपका फोटो है, वीडियो है, उसको आप सेलेक्ट करके सिंपली आपके यहाँ पे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है और यहाँ पे आपका ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मेरा प्रोडक्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। सिंपली यहाँ पे ये जो आपका कैप्चा है इसमें कैप्चा डाल के यहाँ सबमिट कर देना है। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट करने के बाद ये आपका जो ऑप्शन है ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं जो भी कंप्लेन किया हो वो टोटल यहाँ पे आ चुका है और इसमें से आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो भी कंप्लेन किए रहिएगा वो आपको यहाँ पे आ जाता है। तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो भी अपडेट आएगी वो यहाँ नीचे यहाँ पे शो होगी और जो भी आंसर दिया जाएगा वो यहाँ पे शो होगा और जो भी अपडेट होगी वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ देख रहे हैं कि अपडेट कंप्लेंट, तो आपको जो भी आंसर दिया जाएगा वो यहीं पे आपको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे अपने अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पे अपने अकाउंट में जाने के बाद यहाँ से अपने अकाउंट में यहाँ पे लॉगिन होंगे और लॉगिन होंगे होने के बाद यहाँ पे जो भी रिप्लाई आया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपने कितना कंप्लेंट किया है उसके लिए यहाँ सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ देख रहे हैं कंप्लेंट फाइल है, इस कंप्लेंट इस पर क्लिक करेंगे और जो भी कंप्लेंट आप किए रहिएगा वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक कंप्लेंट किया हूँ तो वो कंप्लेंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं कि जो भी कंपनी में आपने कंप्लेन किया है उसका राइट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, तो यहाँ पे उसकी सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों अगर आपको प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को अगर फेस करना पड़ता है तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जहाँ से जाके आप अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विस से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन बहुत ही आसानी से आप यहाँ से कर सकते हैं और इस पर आपको एक्शन लिया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पोर्टल है और इस पर आप बहुत ही आसानी से कंप्लेन कर सकते हैं और आपका जो 7 डेज और 14 डेज के अंदर में आपका कंप्लेन लिया जाता है। और मैंने पहले भी दिखा दिया हूँ कि एक दिन में ही इस पर जो कंप्लेन किया रहता है उस पर एक दिन में भी इस पर एक्शन लिया जाता है। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम बहुत ही आसानी से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो सामान से रिलेटेड और कोई भी सर्विस से रिलेटेड हम किस तरीके से बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से कंप्लेन कर सकते हैं। दोस्तों अभी तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया और लेटेस्ट वीडियो में पर डे अपलोड करते रहता हूँ और मेरे वीडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज गेन होगा।
तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप कोई प्रोडक्ट या कोई सामान परचेज करते हो तो उसके अगेंस्ट किस तरीके से आप ऑनलाइन कंप्लेन करोगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।